आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बाइबल हमें इसके बारे में बताती है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मतलब परमेश्वर के आगे कोई भी ताकतवर नहीं है, परमेश्वर के आगे कोई भी टिक सकता नहीं है। आज परमेश्वर का हर एक मानव जाति के ऊपर अधिकार है, मनुष्य परमेश्वर का मुकाबला नहीं कर सकता है, मनुष्य यीशु मसीह का मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन इस पृथ्वी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को चैलेंज करते हैं। जब उनके पास धन आ जाता है, उनका नाम रोशन होने लगता है, तो वो परमेश्वर को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। तो इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि पापों की जो जड़ है वो क्या है, धन है, पैसा है। जब मनुष्य के पास थोड़ा सा पैसा बढ़ने लगता है तो उसका घमंड बढ़ जाता है और परमेश्वर को वह चैलेंज करता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। उसका जो देवता है, उसका जो भगवान है, उसका सब कुछ कौन है, पैसा है। हाँ जी हाँ, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही फेमस है और उसने यीशु मसीह को चैलेंज किया था। यीशु मसीह को यहाँ तक की गाली दी थी, जो भद्दी गाली दी थी यीशु मसीह को। तो उस व्यक्ति का नाम है कोनोर मैकग्रेगर। एक मार्शल आर्ट्स है, फाइटर है और काफी उसका नाम रोशन है। आपको अगर नहीं पता है तो आप यूट्यूब में इसका नाम सर्च कर सकते हैं, आप गूगल में उसके बारे में जान सकते हैं और किस प्रकार से इस व्यक्ति ने यीशु मसीह को चैलेंज किया था वो भी आप गूगल में पढ़ सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने एक बार उसे पूछा गया कि अगर आपको यीशु मसीह के साथ फाइट करने के लिए बोला जाए तो आप क्या यीशु मसीह को हरा देंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यीशु मसीह को क्या करूंगा, रिंग से बाहर फेंक दूंगा। मतलब उस व्यक्ति ने परमेश्वर को चैलेंज किया और ये कहा कि शायद यीशु मसीह तो मरा हुआ है, यीशु मसीह तो मर गया है, अगर वो जीवित होता तो मैं यीशु मसीह को क्या करता, हरा देता और रिंग के बाहर में फेंक देता। यीशु मसीह को इस व्यक्ति ने क्या किया, बहुत ही गंदी गाली दी और उसने कहा कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुझे हरा सकता नहीं है, पृथ्वी में जितने भी जीवित लोग हैं उनमें से कोई भी मुझे हरा सकता नहीं है। इवन उसने परमेश्वर को भी चैलेंज किया था, यीशु मसीह को भी चैलेंज किया था कि यीशु मसीह भी आ जाए तो मैं यीशु मसीह से क्या करूंगा, जीत जाऊंगा। उसके पास बहुत पैसा है, वो आज दुनिया का नंबर वन खिलाड़ी है जिसके पास बहुत सारा धन है। पैसे के घमंड के कारण उसका जो घमंड था वो बढ़ गया था, जिसके कारण 3 दिन पहले क्या हो गया, उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ रिंग में। जब वो फाइट कर रहा था तो अचानक उसका क्या हो गया, एक जो पैर था वो टूट गया। बोल रहा था मैं यीशु मसीह से भी जीत जाऊंगा, मैं परमेश्वर से भी जीत जाऊंगा और इस पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति मुझे हरा नहीं सकता है। 3 दिन पहले वो व्यक्ति रिंग में हार गया, परमेश्वर को चैलेंज करने वाला व्यक्ति रिंग में हार गया और इतनी बुरी तरीके से हारा कि अचानक ही उसका जो पैर था वो टूट गया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार रिंग में फाइट करते हुए उसका जो पैर था वो अचानक टूट जाता है और यहाँ पर ये व्यक्ति क्या हो जाता है, हार जाता है। परमेश्वर को चैलेंज करने वाला, परमेश्वर के साथ लड़ाई करने वाला, परमेश्वर को गाली देने वाला, परमेश्वर उसका न्याय जरूर करता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को क्या करते हैं, मजाक के रूप में लेते हैं, परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, बाइबल का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इन सब का न्याय करने वाला कौन है, परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवित है और वो उनका मुकदमा लड़ने के लिए सक्षम है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है और हमें विश्वास में मजबूत होना है, परमेश्वर अपना कार्य जरूर करेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को चैलेंज करते हैं, आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को मजाक बनाते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा उनको नरक में जाना पड़ेगा, उनको न्याय के लिए यीशु के सामने खड़ा
होना पड़ेगा, तब उनकी आंखें खुल जाएगी कि यीशु मसीह ही पावरफुल है, यीशु मसीह ही स्वर शक्तिमान है, यीशु मसीह ही स्वर ज्ञानी है, यीशु मसीह ही स्वर सामर्थी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हम कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं, हम तो एक उसके बनाए हुए हाथों की रचना है। आज हर एक मनुष्य से प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है, चाहे आप उनको बुरा भला कहो, चाहे आप उनका मजाक करो, लेकिन जब आप सच्चा पश्चाताप करके यीशु के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करें तो वो आपके पापों को क्षमा करेगा और वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके जैसा वो बदला नहीं लेना चाहता। लेकिन अगर आप नहीं सुधरे, आप परमेश्वर का मजाक करते जाएंगे, यीशु का मजाक करते जाएंगे, तो आपका जो अंत है वो बहुत ही बुरा होने वाला है। जिस प्रकार इस व्यक्ति के साथ हुआ, इस व्यक्ति ने यीशु मसीह को चैलेंज किया था और यहाँ तक कि यीशु मसीह को इतना गंदा गाली दी थी, लेकिन आज उस व्यक्ति की हालत कितनी हो गई है, इतनी सी हो गई है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसका पैसा काम नहीं आया तो उसका न्याय होगा, और जब न्याय के सामने सबको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी घमंड ना करें, कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि जो घमंड विनाश से पहले घमंड आता है। शैतान के मन में क्या आ गया था? घमंड आ गया था कि मैं परमेश्वर से ऊंचा बनूंगा, और वो विनाश का कारण बन गया। तो हमें कभी भी अपने मसीही लाइफ में घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। कि वीडियो के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड।